अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हर साल की तरह मनाए जाने वाला त्योहार जो कि बकरीद इस साल भी 1 अगस्त 2020 को मनाया जा रहा है, जिसके साथ साथ दोस्तों सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए जो कि दोस्तों इस साल की बकरीद के त्योहार पर सरकार ने मस्जिदों में नमाज पढ़ने पर रोक लगा रखी है। जिसके साथ साथ दोस्तों सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए सरकार ने जो कि इस साल की बकरीद के त्योहार में ज्यादा भीड़ भाड़ करने पर भी रोक लगा रखी है। जहां पर दोस्तों मोदी सरकार ने अभी जो है हाल ही में जो है ट्विटर पर ट्वीट करके कहा है कि कोई भी शख्स इस साल की बकरीद पर जो है मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेगा। जिसके साथ साथ दोस्तों सरकार ने जो कि इस साल की बकरीद में बकरे का बलिदान देने पर भी रोक लगा रखा है। लेकिन दोस्तों यहां पर सरकार का कहना है जिसको भी बकरे का बलिदान अगर देना है तो वो सिंपल तरीके से ऑनलाइन जो है ऑर्डर कर सकता है और जो है घर पर ही बलिदान किया जाएगा। जिसके बाद दोस्तों यहां पर बॉलीवुड के एक दिग्गज अभिनेता जो कि सलमान खान ने भी इस बकरीद को लेकर एक बहुत ही बड़ा यहां पर दोस्तों बयान दिया है। जानेंगे दोस्तों पूरी खबर को विस्तार से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सलमान खान का नाम तो सबसे पहले आता है, जहाँ पर दोस्तों हाल ही में सलमान खान ने बकरीद को लेकर जो है अभी एक ट्विटर पे ट्वीट किया है, जहाँ पर दोस्तों सलमान खान ने कहा है कि सरकार का यह फैसला बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, सलमान खान का कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। उनका कहना है कि बकरीद त्यौहार हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन त्यौहार के साथ साथ दोस्तों उनका कहना है कि हम इस महामारी के चलते भी सारी चीज़ें देखना जरूरी है। जहां पर दोस्तों सलमान खान ने कहा है कि इस साल की बकरीद जो कि एक सिंपल तरीके से होनी चाहिए। सलमान खान का कहना है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो और सिंपल तरीके से ही घर पर बकरीद का त्यौहार मनाया जाए, एक दूसरे से दूर से ही सलाम दुआ की जाए। और दोस्तों जिसके साथ साथ सरकार का कहना है कि बकरीद के इस अवसर पर जो है एक दूसरे से गले ना लगें और दूर से ही दुआ बंदगी करें। तो यहां पर दोस्तों बॉलीवुड के एक दिग्गज अभिनेता जो कि सलमान खान ने भी बकरीद को लेकर सभी अपने जो है मुस्लिम भाइयों को यहां पर सूचित किया है कि जो है इस साल की बकरीद एक सिंपल तरीके से ही होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस जैसी महामारी के चलते एक दूसरे से गले ना मिलें और जो है अगर बकरे का बलिदान देना है तो घर पर ही जो है एक साधारण तरीके से इस साल की बकरीद मनाई जाए। तो यहाँ पर सलमान खान का कहना है कि इस साल की बकरीद में जो कि नमाज मस्जिद में नहीं पढ़ी जाएगी, एक सिंपल तरीके से ही घर पर ही नमाज पढ़ के अल्लाह ताला को खुश करें। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही थी जो कि बताना मेरा कर्तव्य था। तो उम्मीद है दोस्तों आज के वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा। अगर और इसे वीडियो देखना चाहते हैं इस्लाम से रिलेटेड तो हमारे चैनल से सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई सी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो थैंक्स माई आल यूट्यूब फैमिली।